साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज मैं फर्श से अर्श तक में आपको अपने परिवार में एक नई खुशी आई। वो सन 2008 में 29 नवंबर 2008 को हमारी तीन बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी निक्की उर्फ निकिता का पाण ग्रहण संस्कार हमने अवस्थी जी, जो हमारे बहुत ही करीबी पहले परिचितों में मिलने वालों में थे, श्री देव नारायण जी अवस्थी पर्रा 6 निवासी और उनके एक ही पुत्र था, मैंने उनके बेटे के साथ अपने बेटे का संबंध तो पक्का कर दिया। और उसके शुभ मुहूर्त 29 नवंबर 2008 को थी, जो मैंने हमीरपुर रोड में रमाशिव जो गेस्ट हाउस हुआ करता है, आज भी है वो, आर्य सदन के नाम से, मैंने उसमें वो कार्यक्रम रखा। चूंकि मेरे अपने परिवार की पहली बेटी की और ये पहला ही कार्यक्रम था, तो हमारे समस्त चिरपरिचित और रिश्तेदारों ने मेरा भरपूर सहयोग किया। सभी लोग मेरी बेटी की शादी में समय से आए और अपना तन मन धन का सहयोग हमें पूरी तरह से दिया। साथियों, मैंने उसमें जो भीड़ अपार हमें लोगों का जन सहयोग बेटी की शादी में मिला, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे साथ दसियों लोग मेरे साथ सुबह से शाम तक खड़े रहे और दसियों लोग गेट में बराबर खड़े रहे, दसियों लोग रात भर मेरे साथ वहीं जगे और रहे। मुझे वो दिन याद है कि उस दिन मेरे, चूंकि वो नवंबर की तारीख बहुत ही बिजी तारीख थी शादी की, बहुत सारे वीआईपीओं के यहाँ मरीज भी उस दिन थी, लेकिन मेरे यहाँ भी लगभग हमारे शुभचिंतकों में सभी लोग आए। जैसे मेरे बहुत ही खास जो इनके पारिवारिक रिश्ते थे शुभचिंतकों में, हमारे परम आदरणीय जो इस समय एक बार के विधायक हो चुके हैं और आज भी सक्रिय राजनीति में हैं, श्री सतीश निगम जी, और माननीय विधायिका कई बार रही हैं अरुणा तोमर जी, माननीय मंत्री और विधायक मंत्री जी भी रहे हैं अमरजीत सिंह जनसेवक जी सपरिवार, अमिताभ वाजपेयी जी वर्तमान विधायक हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय जो इस हम सबके इस दुनिया से अभी संरक्षक समाजवादी पार्टी के और संस्थापक श्री मुलायम सिंह जी जो नहीं रहे, इनका भी बाकायदा हमारे लिए बधाई भरा संदेश आया और टेलीफोन कॉल भी। उस समय जो हमारे शहर के महासचिव श्री चंद्रेश सिंह जी थे, जो बाद में अध्यक्ष भी रहे काफी दिन तक, जिनके भी ये बड़े अच्छे हमारे रिश्ते हैं, हमारा बड़ा सहयोग करते रहे हमेशा, उन्होंने हमें नेताजी से मेरी बात कराई बीसों लोगों सामने। श्री प्रकाश जायसवाल जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, वो भी अपनी पूरी टीम और दलबल के साथ हमारे सामने हमारे बेटी के शुभकामना देने के लिए आए। मित्रों, मुझे वो खुशी, लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन हम समझते हैं बेटियां बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं होता, अगर तुलना की जाए तो पुत्रों से भी बढ़कर बेटियां होती हैं। आज मैं पुनः अपनी उन समस्त शुभचिंतकों, रिश्तेदारों को, सम्मानित लोगों को, जिन लोगों ने मेरे साथ मेरी बेटी के कार्यक्रम में मरीज के समय पर आकर के आशीर्वाद बेटी और दामाद को दिया, सभी को पुनः एक बार मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात अगली वीडियो पे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।